गाइस, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी सुबह के 9 बजे है और मेरा भरतनाट्यम का क्लास है। और देखा जाए तो मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद भरतनाट्यम सीख रही थी और 4 साल उसके बाद मेरा बहुत बड़ा गैप हुआ, ऑलमोस्ट 6-7 साल का। एंड देन आई थॉट कि मुझे वो कंप्लीट कर देना चाहिए, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया एग्ज़ाम्स देना एंड सीखना। नाउ आई एम एट दशरथ लेवल, जो मेरा अभी 2 साल और बाकी है सीखना भरतनाट्यम। और आई थिंक भरतनाट्यम एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म्स में से है, क्योंकि उसका पूरा स्टाइल, मतलब जो हिसाब से वो परफॉर्म किया जाता है, वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत अलग है अपने रेगुलर डांसेस से, क्योंकि उसमें जो एक्सप्रेशंस भी दिए जाते हैं वो बहुत अलग तरीके से दिए जाते हैं। इट्स नॉट नेचुरल, मतलब नेचुरली आप जैसे बोलोगे और नेचुरली आप जैसे एक्सप्रेस करोगे वैसे नहीं है। उसका एक्सप्रेस करने का स्टाइल भी बहुत अलग है एंड दैट मेक्स भरतनाट्यम यूनिक। ये क्लास मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो मेरे गुरु प्राजक्ता मोरे, उनके पास सीखती हूँ। और लेट्स सी आज क्या सीखना है। डांट एज इन मुझे ताई ने बोला कि थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ी सी स्टेप्स भूल गई थी। मुझे ये वीक में प्रैक्टिस करने का चांस ही नहीं मिला था, तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी जो मुझे लास्ट क्लास नया सिखाया था ताई ने। पर मैं प्रैक्टिस करूँगी अच्छे से। सोचो एक वीक के गैप से इतना फ़र्क पड़ सकता है। इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, हमारे माइंड में 100 चीज़ें चलती रहती है एज ए डांसर, क्योंकि मैं सीख तो रही हूँ पर मैं काम भी डांस का कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में वो कोरियोग्राफीज भी रहती है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, पर मज़ा आता है। हेलो गाइस, सो सुबह क्लास किया, अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। सो करते हैं वर्कआउट फटाफट और जाते घर। We'll be right back.
ओके सो आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया. यस और हम लोगों ने कैसे तो कंप्लीट कर दिया क्योंकि जिम में इतनी भीड़ थी. अरे यार हम दोनों को भी इतना भीड़ नहीं पसंद. सुबह अभी ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम बहुत बेस्ट है क्योंकि तभी हम लोग को और ज्यादा स्पेस मिलता है. ऐसा नहीं कि अभी अच्छा नहीं था बट बहुत भीड़ होती तो सब इक्विपमेंट्स खाली नहीं होते टाइम पे तो वेट करना पड़ता है. सो आज सुबह क्लास किया हम लोग ने, उसके बाद हम लोगों ने कुछ पर्सनल काम किए एंड देन इसलिए आज लेट आए. लेट आया वर्कआउट के लिए. अभी कल से फिर से हमारा शेड्यूल टाइट होने वाला बिकॉज हार्डली एक दो हफ्ते में हम लोग को सब कोरियोग्राफी कंप्लीट करनी है. जो 20 तारीख को जो हम लोगों ने कल किया था उन लोग का मेन इवेंट है जो कई और है. हम लोग बाद में धीरे धीरे पता है कि कहाँ पे जा रहे हैं. Yes. So, कल से हेक्टिक डे स्टार्ट. And if you like this video, please like, please share, and let us know in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel. See you in the next video. Until then, bye bye.